तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए जबरदस्त वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से डिटेल में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती। ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि कॉलेज ही बहुत खास है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कॉलेज का गेट देख के आपको पता चले होगा कितना बड़ा कॉलेज है। और इसका मेरिट लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट अगर आप देखते हो तो मैंने जितने भी कॉलेजेस गवर्नमेंट का कॉलेजेस पॉलिटेक्निक का रिव्यू किया है उसमें से ये सबसे अलग लगा है मुझे। तो आप भी देखेंगे आगे जाके अलग क्या लगा है, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में फिर से हम वही पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा एनालिसिस हो जाए और पूरा इसमें डिसीजन ले पाओ भाई इस कॉलेज के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे ये भी देखते हैं। कब शुरू हुआ है कॉलेज, उसके बाद कोर्सेज कौन से हैं, उसके बाद लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, और फीस स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर लगभग आसपास सेम ही होता है, फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इस कॉलेज का कैसा है, कॉलेज में आपको जॉब मिलेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर अगर आप नए हों और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। सबको हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट, कॉलेज कब से शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती वॉज फाउंडेड ऑन 1955। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये एक ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस कॉलेज क्विकली बता देता हूँ क्या होता है। हमारे महाराष्ट्र के सारे डिप्लोमा के मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को एक ही बोर्ड कंट्रोल करता है, मतलब उसके हिसाब से ही पेपर सेट होता है, वो है MSBT। आपने नाम भी सुना होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन जो ऑटोनोमस कॉलेज होता है वो इस बोर्ड का पेपर पैटर्न या एग्ज़ाम फॉलो नहीं करता या सिलेबस फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि इसका सिलेबस कुछ अलग होता है, वही होता है, लेकिन ये कॉलेज में ही सिलेबस बनाएंगे, पेपर भी कॉलेज में ही सेट करेंगे, कॉलेज में ही चेक करेंगे, सब कुछ कॉलेज के अंदर होगा। इसका मतलब होता है स्वायत्त संस्था मराठी में, और इसको इंग्लिश में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऑटोनोमस जब कॉलेज होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं पढ़ाने के तरीके में, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच बन जाता है, ठीक है। तो कोई रोकने वाला नहीं होता है ऐसा ही करो वैसा ही करो, तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कौन से कोर्सेज डिप्लोमा में आपके लिए अवेलेबल। इसमें भी ये कॉलेज बहुत ही अलग मुझे दिखा, क्यों दिखा मैं बता देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये तो सब में होता ही है। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स और साइंस एंड ह्यूमैनिटी, ये लास्ट के दो ब्रांचेस भी मैंने सब में देखे। और केमिकल इंजीनियरिंग मैंने अभी तक नहीं देखा था किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, हो सकता है लेकिन बहुत कम, तो इस कॉलेज में वो ब्रांच अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी ब्रांच जो है प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, ये भी कहीं नहीं दिखी मुझे। तो जैसे मैंने अमरावती देखा है, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक रिव्यू किए हैं लेकिन आपने भी देखा होगा, तो प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग ये बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर है, अगर आपको लगता है मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो डिप्लोमा करना है उसमें, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे अगर कट ऑफ लिस्ट में बैठते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे कट ऑफ तो हाई ही होगा, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत लिमिटेड कॉलेज है, एक ही कॉलेज तो मुझे दिखा है अब तक, तो कट ऑफ भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं वो भी आगे हम कैसे हैं क्या है कट ऑफ, चलो डिटेल में हमारे सामने अवेलेबल है। तो मैंने 4-5 ब्रांच के कट ऑफ लिया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर। इसके अलावा किसी ब्रांच का आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। और ये जो कॉलेज का रिव्यू है ना, बहुत बच्चों ने मुझे पूछा था इसका रिव्यू हमें चाहिए सर, और मुझे जब मैं रिव्यू करना इस कॉलेज का रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि कॉलेज मतलब है भाई, कॉलेज में दम है, ठीक है। तो सिविल का, जैसे कि आपको पैसे पढ़ना है, फिर से हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे दो सेक्शन है, एक होम डिस्ट्रिक्ट है, एक अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट है। होम डिस्ट्रिक्ट का जो ऑरेंज कलर का कट ऑफ है वो उन लोगों के लिए है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से ही 10वीं किया है और वहीं पर ही एडमिशन लेना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो अमरावती में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनका जो 10वीं है वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बाहर हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर का लास्ट का कॉलम, लास्ट का रो अगर मैं आपको बता देता हूँ, तो कंप्यूटर का 95 कट ऑफ था पिछले बार, और ये कैप राउंड 1 की बात हो रही है, ठीक है, पिछले साल की।
तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना है 95% होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब बहुत ही मोस्ट वांटेड कॉलेज लग रहा है मुझे। देखिए ओपन के लिए 95, एससी के लिए 90%, एससी के लिए बहुत कम होता है बाकी कॉलेजेस में, एसटी के लिए भी 82 बहुत हाई, एनटी 89, ओबीसी 94। और सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे है, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट ओपन के लिए कंप्यूटर का कट ऑफ 99% था पिछले साल। मैंने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे का भी नहीं देखा, मुंबई का भी नहीं देखा, लेकिन अमरावती कॉलेज की कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर है। और ये कैंपस वगैरह सब कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया है, तो 99% पे क्लोज हुआ था बराबर। तो एससी का देखिए 92, मतलब जिनको रिजर्वेशन बहुत है उनका भी 92% पे क्लोज हुआ है। एसटी का 79, एनटी का 89, ओबीसी का 97। तो अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ये आपके कॉलेज, आपके लिए कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पर आपको एडमिशन ले सकते हो। आप दूर से भी हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, कैंपस तो बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। कुछ पिक्स विक्स आप इंटरनेट गूगल कर लो, पॉलिटेक्निक अमरावती का और कैंपस वैम्पस देख लो, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कट ऑफ अच्छे से समझ में आ गया है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉलेज की फ़ीस कितनी भरनी पड़ेगी हमें एक साल में, ठीक है। तो कॉलेज तो अच्छा है, फिर भी गवर्नमेंट है तो फीस कम ही होगी, कोई बात नहीं है। तो हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे एग्जैक्ट फ़ी मैंने रिसर्च करके एग्जैक्ट जो नंबर है वहीं पे निकाले हुए पिछले साल की, लेकिन इस साल जब आप एडमिशन लोगे थोड़ा बहुत 500-1000 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो पिछले साल की एग्जैक्ट फ़ी थी ओपन और माइनॉरिटी के लिए 9455 एक साल के लिए, ठीक है। और ABC, OBC और EWS 6455, SBC, VJNT, TFWS ये कैटेगरीज के लिए 3455 और SC और ST के लिए भी 3455। मतलब कॉलेज देख के तो फीस तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको आपको लगता है भाई मेरे मार्क्स अच्छे हैं, स्कोर अच्छे हैं, तो ये मैं तो कहूँगा यार बहुत बढ़िया है ये कॉलेज आपके लिए, ठीक है। फिर भी आप खुद, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यही कॉलेज ले लीजिए, खुद आपको रिसर्च करना है। बाद में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने बोला था ये कॉलेज ले लो, हम यहाँ पे गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, डिसीजन तो आपको ही लेना है फाइनली, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हमेशा, वो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। सेल कैसा है, वहाँ पर आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं कॉलेज के अंदर ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टैब में जैसे ही मैं जाता हूँ, वेबसाइट पर आ चुके हैं हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती के, तो यहाँ पे उन्होंने एक PDF इन्फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, प्लेसमेंट समरी में जाता हूँ। तो पिछले साल 2021-22 का हम देखते हैं डेटा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे 25 बच्चे प्लेस हुए, IT के 14 बच्चे, इलेक्ट्रिकल के 27 बच्चे, मैकेनिकल के 50 बच्चों को नौकरी मिली जब वो थर्ड ईयर में थे, बराबर। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंपनी प्लेसमेंट, मतलब आप आई होप जिनको पता नहीं है मैं फिर से बता दूँ, ये कब होता है आपको नौकरी कब मिलती है, जब आप थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में डिप्लोमा के जाते हो तो कंपनीज कॉलेज में आके आपको जॉब देती हैं, बस आपको पास आउट करके कंपनी ज्वाइन करना होता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे 69, उसके बाद यहाँ पे 000 दिखा रहा है, ठीक है। पूरा डेटा आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, कितने बच्चे कौन से साल में, कितने बच्चे कौन से ब्रांच के प्लेस हुए थे। और इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कंपनीज कौन सी आती है इस कॉलेज में। देखिए बजाज ऑटो, हेल्डेक्स इंडिया, जी इंडिया, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, ABS इंटरनेशनल, ITC लिमिटेड, आनंद ग्रुप, मैंडो ऑटोमोटिव, JBL, ब्रेन सीटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे की कंपनी है, थॉट वर्क्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, टाटा पावर, थर्मैक्स, वर्लपूल, टाटा इंजीनियर्स, फोर्ब्स इंडिया। तो यहाँ पे आप अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो, मार्क्स अच्छे हासिल करते हो, आप थोड़ा इंटरव्यू अच्छा देते हो, तो आपका प्लेस होने का चांस तो बनता ही। और आप वहाँ एडमिशन लेते हो मतलब आप तो ऑलरेडी यार स्किलफुल बच्चे हो, मतलब आप होशियार बच्चे हो, तभी तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बाकी बस आपको जो वीकनेसेस है वो फाइंड करने हैं, उस पर काम करना है, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपको ऑफकोर्स जॉब करना है डिप्लोमा के बाद तो ही, ठीक है। तो आई होप पूरा मैंने अच्छे से आपको बता दिया है रिव्यू इस कॉलेज का, तो आपके ऊपर डिसीजन मैं छोड़ देता हूँ, आपको इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, ऑप्शन फॉर्म में इसका नाम डालना है या नहीं, कट ऑफ कितना है ये देख के ही आपको कॉलेज के नाम डालने होते हैं। और फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो, तो कमेंट सेक्शन तो है ही, मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे मेरे कोशिश करूँगा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कोई भी हो
फैमिली, उनके पेरेंट्स हो, दोस्त हो, आपके आपके स्कूल मेट्स हो, कोई भी, उनके साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी हेल्प होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक क्यों करना है आपको? क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएगा, ठीक है। तो सबकी हेल्प करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।